ध्यान देता हेर हम क्याल्कुलस को आज हम थर्ड क्लास है फर्स्ट क्लास में हमी बेसिक रूल पढ़ो सेकेंड क्लास में हिजो हमें जी फर्मुला हो सब फर्मुला को डेरिवेशन गयो साथ साथ ही लेट करने कें लेट नगर्ने भूरा हम हिजो डील गयो ठीक है। अब आज हम मेन कुछ के बारे ध्यान देने एक्सरसाइज 14.1 को हेर एकदम ध्यान देने स्टैंडर्ड इंटीग्रल 1 बेसिक मैथमेटिक्स बारे में पढ़ाते ध्यान देने के भू ल राख दी मेर। अब ध्यान दे फर्स्ट क्वेश्चन हम बुक को ध्यान देने ए नंबर के इंटीग्रेशन कस को तला में एक्स स्क्वायर प्लस 49 छनी। अब हिजो मैं एउटा फर्मेशन पढ़ाको थियो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन डीएक्स अपन यहाँ भेरिएबल के स्क्वायर कंस्टेंट के स्क्वायर थियो थियो कि थिएन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थियो तल में इसको कति हुन्छ फर्मुला पढ़े क्वेश्चन में बेगले कुछ हो 1/a टैन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी यहाँ भेरिएबल के स्क्वायर यहाँ कंस्टेंट के स्क्वायर होने पो यहाँ ध्यान देने तिमी है सोलूसन ध्यान दौ डीएक्स अपन यहाँ भेरिएबल एक्स स्क्वायर से कंस्टेंट 49 7 को स्क्वायर हो। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्मेशन फॉर्मेट में गए गए के होता 1/a टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी तो 1/a ए 7 टैन इनवर्स एक्स बाय एक्स बाय प्लस सी आंसर ठीक है। अब ध्यान दू नलेख भू अनी लेख् हिजो लेखने चक्कर में हम छवटा क्वेश्चन मात्र बनो ये भू अनी लेखने ठीक है फर्स्ट में लेख। अब ध्यान दिने क्वेश्चन नंबर 2 गरी हाल सीम्पल ठीक है नि। अब यह 3 नंबर हे अब एक लाइन ले करना था है तिमी करने जो जो आन म सब ए टू जेड कर दू बुझ नत्र कर दू चिंता नदि बुझ नहीं अलग यहाँ अब एक कर दू 3 कर दिए 4-5 गर्नु 6 गर्दिए 7 गर्नु 8 गर्दिन्छु 9 गर्दिन्छु जति पनि छ सबैमा गर्दिन्छु ठीक छ नि जति इम्पोर्टेन्ट छ बाकी जुन जुन यहाँ गर्दिन म त्यो सबै सजिलो हुन्छ त्यो घरमा गएर ट्राई गरौँ ठीक छ नि। ट्राई गरियो त ठिक ट्राई गरेन भने मलाई ठिक किनभने ट्राई गरियो भने त गर्नु पर्दैन हैन ध्यान दिने हो। अब नम्बर 2 मा के छ 2x + 3 तलमा 4x स्क्वायर + 1 अब ध्यान दिने यो क्वेश्चन तो एलकेजी यूकेजी के बच्चा कर दी यदि मानी हाल कि क्लास 12 यूकेजी लेट कर ध्यान देने होना मैं एटा कुछ के पढ़ाई थे तिमी सब भाग राम्रोने तल मान कि 1/x को लग एक्स कसरी भो तल को फंक्शन को डेरिवेटिव माथि लग अल को लेख दिन है। अब ध्यान देने यहाँ तल कति 4x स्क्वायर प्लस 1 ध्यान देने राम ध्यान दिए जुन क्वेश्चन में इंटिग्रेशन में तल माथि दुईटा दिएको हुन्छ नि त्यस्तो क्वेश्चन में दिमाग लगाउन एउटा यो पनि उपाय हो बुझ्यो नि तल कति दिएको छ 4x स्क्वायर प्लस 1 दिएको छ छैन ठीक छ नि भाई यहाँसम्म ठीक छ नि। यसको डेरिवेटिव कति हुन्छ 4 भनेको 4 x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x हुन्छ यो थाहा छ अनि प्लस 1 को 0 मतलब 8x मतलब यसको डेरिवेटिव कति हुन्छ 8x हुन्छ मतलब तो यह भो कि यदि माथि में 8x मात्र भो मैं लग लगन सकता है। अब ध्यान दू ते भू ध्यान देने 2x बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 dx करना मिले मिले क्योंकि लिमिट डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव यह कुछ को सेपरेशन करना मिले मिले क्लास 11 पढ़े क्लास लिमिट में सेपरेट कर मिलते नि एवटे क्वेश्चन में 2-3 लिमिट लगाइन्थ हमी अपने इच्छा अनुसार डेरिवेटिव में यहाँ ध्यान दें जैसे कि 4x स्क्वायर 1 मैंने इसको बेगले गयो इसको बेगले गयो सेपरेशन गयो नस्ते इंटीग्रेशन में के होता सेपरेट कर मिले ये क्वेश्चन बुझे बुझेन मैं 2x बाई कर दिए प्लस कर दिए 3 बाई लिख दिए ठीक है। अब यदि तल में 4x स्क्वायर प्लस 1 इसको डेरिवेटिव हो 8x यदि माथि 8x भो हम क्वेश्चन सीम्पल भैया हो यहाँ तो 8x तो बनने चांसेस चांस क्योंकि तिमी क्वेश्चन्स में कंस्टेंट तलमाथि कर सको डिवाइड कर सको मल्टिप्लाई कर सको तर भेरिएबल तो मल्टिप्लाई कर सकते सकिं सकिदेन यहाँ 2x इसलिए मैं 8 बनाए के कर 4 लिख दिए तल में 1/4 लिख दिए तो ठीक है कि छेन बुझे यहाँसम तो सब ध्यान देने 1/4 माथि भैया 8x तलम भैया 4x स्क्वायर प्लस 1 dx भैया ठीक है प्लस। अब ध्यान यहाँ ध्यान देने 3 बाहर निकाली हालने 1/ ध्यान देने। अब एटा कुछ मैं तिमी भन मैं ये क्वेश्चन जब मैं हिजो पढ़ाई थे तो मैं 2-3 चोटी बनाक थे कि यहाँ भेरिएबल के स्क्वायर मात्र होने पो सिंगल में भेरिएबल का गाड़ी में कुछ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कुछ नंबर
छैन, छ कुनै नम्बर छ छैन। त्यसो भए हाम्रो क्वेसनमा पनि यहाँ भेरिएबलको स्क्वायर मात्रै हुनु पऱ्यो, एक्स स्क्वायर अगाडिमा फोर हुन मिल्दैन, मिल्छ मिल्दैन, त कसरी निकाल्ने फोरलाई? कमल लिनुपर्छ, बाँकी कुनै तरिका छ छैन। त तलमा मैले फोर कमल लिएँ भने यहाँ कति बच्यो? एक्स स्क्वायर। अब तिमीहरू के भन्छ, यहाँ त फोर छँदैछ नि त कमल कसरी आइहाल्यो? होइन, यहाँ वान बाई फोर गर्न मिल्छ मिल्दैन? त्यहाँ डिएक्स छँदैछ। अब ध्यान दिएर सिम्पल छ होइन, अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ किनभने एन्टी डेरिभेटिभ भनेकै दिमाग लगाउनै पर्छ, बाँकी कुनै उपाय तिमीहरूसँग छैन। अब हेर, इक्वल टु वान बाई फोर भइहाल्यो ठिक छ, माथि एट एक्स छ, तलमा छ कति? फोर एक्स स्क्वायर प्लस वान डिएक्स प्लस थ्री बाई फोर भइहाल्यो, भयो नि। माथि कति छ? वान छ, तलमा हेर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मेसनमा जानु पर्यो परेन, ध्यान दिने। एक्स स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर भनेको वान बाई फोरलाई मैले वान बाई टूको स्क्वायर गर्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ नि, यहाँ डिएक्स छँदैछ, ध्यान दिने। त्यो वान बाई फोर, अब हेर तलमा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वान, यसको डेरिभेटिभ गर्दा एट एक्स आउँछ कि आउँदैन? यो तलको फङ्सनको डेरिभेटिभ गरेपछि यदि माथि आउँदैछ भने सिधा के लगाइदिने? लग फोर एक्स स्क्वायर प्लस वान प्लस थ्री बाई फोर। अब ध्यान दिने, वान बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मेसनमा छ नि, वान बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मेसनमा भयो भने के हुन्छ? वान बाई ए ट्यान इन्भर्स एक्स बाई प्लस सी हुन्छ, हुँदैन? वान बाई ए भनेको वान बाई ए भनेको वान बाई टू ट्यान इन्भर्स एक्स बाई ए भनेको वान बाई टू प्लस सी, एकैचोटि लास्टमा सी लेखिदिने। त्यो वान बाई फोर लग फोर एक्स स्क्वायर प्लस वान थ्री बाई फोर, टू माथि जान्छ नि भाइ, टू बाई वान ट्यान इन्भर्स यो टू माथि जान्छ नि, टू एक्स प्लस सी, यो वान बाई फोर लग कति भयो? फोर एक्स स्क्वायर प्लस वान टू टू जा थ्री बाई टू अध्ययन प्लस थ्री बाई टू ट्यान इन्भर्स टू एक्स प्लस सी, ल लेखत यहाँसम्म छिटो। यो नम्बर ध्यान, सिक्स नम्बरमा क्वेसन के छ? इन्टिग्रेसन डिएक्स अपन ए टु दि पावर एक्स यु दि पावर माइनस एक्स। हेर एउटा कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई, मैले हाम्रो होइन यहाँ मैले दुई तिनवटा टिचरलाई पनि मैले हेरेको थिएँ, नाम म लिदिनँ होइन, भर्खर तिन चार दिनको कुरा हुँदैछ, क्यालकुलस पढाउन जान्थ्यो होइन दुई तिन टिचरहरू छ यस्तो यस्तो, कोचिङ सेन्टर कुरा गर्दैछु, स्कुलको लागि स्कुलको गर्दैछु होइन, बुझ्यो नि, स्कुलमा पनि कतै कतै हुन्छ। क्यालकुलस पढाउन जानुभन्दा पहिला त्यो क्लास टुवेल्भको बेसिक म्याथको सोल्युसन बुक किन्न गएको थियो, अब मलाई त्योसँग भेट कहाँ भइहाल्यो? स्टेसनरीमा। त म कतिखेर, म तिमीलाई फोन गरिनँ तिम्रो के क्वेसन्स माग किनिदिनु भनेर, किनभने त्यो जसले मलाई भनिदिन्छ नि बुक ल्याइदिनु म ल्याइदिन्छु, क्वेसन्स माग किन्न गएको थिएँ, अनि पहिला फोन गरेको यसले भन्नु होइन दाइ छँदैछ भने लिएन मैले, त्यतिकै त्यो टिचर आइदियो क्लास टुवेल्भको बेसिक म्याथको सोल्युसन किन्न होइन, अनि मैले सोधिहालेँ त्यो त्यस्तो कुरा म अगाडि छु, अनि के भनिदियो, अहिले नयाँ नयाँ छ कि त्यसैले एक्सपिरियन्स छैन, अलिकति हेरी हेरी पनि जानुपर्छ होइन। अब त्यस्तो त्यस्तो पनि हाम्रो यहाँ विराटनगरमा कोचिङ चल्दैछ, अब फी कति चाहिँ थाहा छ? एक घन्टा पढ्यो म्याथ मात्रै 2500 लिइहाल्छ महिनाको। त्यहाँ डिएक्स अपन ध्यान दिने, इ टु दि पावर एक्स छ नि रे, छ कि छैन? अब इको पावर माइनस एक्स छ, यसले मैले तल गर्न सकिन्छ सरी, इ वान बाई टू दि पावर एक्स गर्न सकिन्छ, सकिन्छ नि। अब हेर यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै के लाग्छ, अलिकति टप जस्तो लाग्छ नि, छ नि, अब टप छैन, किन तिमीले एउटा कन्सेप्ट थाहा छ नि त, इन्डिसिएसको रुल थाहा छ, बेस सेम हुँदा पावर के गर्ने? एड गर्ने, मल्टिप्लाई भनिदिन्छ रे भाइ, बेस सेम हुँदा इन्डिसिएसमा पावर के गर्छु? एड गर्छु नि, त्यति थाहा छ भने यो क्वेसन सजिलो भइहाल्छ, ध्यान दिने। अब डिएक्स भयो, एलसिएम मैले इ टु दि पावर एक्स एलसिएम लिएँ, यहाँ इ टु दि पावर एक्स छ, यहाँ एउटा अरू तलमा वान छ भने इ टु दि पावर एक्सै हुन्छ, प्लस वान भइहाल्छ, इ टु दि पावर एक्स माथि गइदिन्छ, तलमा कति भइदियो? इ टु दि पावर एक्स प्लस एक्स टु एक्स प्लस वान डिएक्स, यहाँसम्म ठिक छ कि छैन? ठिक छ। अब ध्यान दियो तिमीहरू मेरो, इक्वल टु, अब ध्यान दियो इ टु दि पावर एक्स, तलमा इ टु दि पावर एक्सको स्क्वायर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? इ टु दि पावर टु एक्स छ भने इ टु दि पावर एक्स स्क्वायर गरेर स्क्वायर गरिदियो भने इ टु दि पावर फेरि टु एक्सै हुन्छ, गर्न मिल्छ मिल्दैन? अब ध्यान दियो,
यदि ई टू दी पावर एक्स मैं कहीं वाई लेट कर इसको डेरिवेटिव के हो वाई को डीवाई ई टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर एक्स एक्स को डीएक्स हो बुझे बुझे न हे तिमी डेरिवेटिव कसरी पढ़े इसी पढ़े वाई इक्वल टू दी पावर एक्स डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू टू दी पावर एक्स पढ़े यह बेसिक रूल भैया स्टैंडर्ड रूल के हो डीवाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अभी एक्स को डीएक्स आज कुरा तो डीवाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डीएक्स भैया ये बुझ बुझ अब ध्यान दो तिमी तसो भाई यदि मैं लेट कर लेट कर ठीक है ई टू दी पावर एक्स डीएक्स ई टू दी पावर एक्स अता डीएक्स बुझे कि छेन ध्यान दिन ई टू दी पावर एक्स डीएक्स मैं ये डीवाई रखना सकु सकु कि सक ई टू दी पावर एक्स को स्क्वायर से मैंने वाई को स्क्वायर रखना सकता सकता नहीं प्लस वन वन मैंने कौन को स्क्वायर हो वेरिएबल को स्क्वायर कंस्टेंट को स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्मेशन में सकते नहीं सकते इसको फर्मुला था सकते हमी था खेल खत्म भैया लेट कर वाई इक्वल टू दी पावर एक्स डेरिवेटिव क्या भैया ई टू दी पावर एक्स एक्स को डीएक्स भैया अब तेज़ ई टू दी पावर एक्स डीएक्स को डीवाई भैया ई टू दी पावर एक्स को स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन भैया ठीक है अब हे के पढ़े वन बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के पढ़े अरे वन बाय ए तो वन बाय ए बने तिम्रो वन टैन इनवर्स एक्स बाय ए यहाँ वेरिएबल वाई है वाई बाय ए प्लस सी वन बाय वन कति हो टू हो वन हो नलेख्ता पड़ने भैया टैन इनवर्स वाई बने ई टू दी पावर एक्स तल में वन लेख नलेखे कुरा हो बुझ नी टैन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी बुझे बुझे न कर यही क्वेश्चन है कतिजना मैं कन्फ्यूज भैया बुझ नहीं कन्फ्यूजन कुछ दुई मत कुरे इसमें ठीक से करी हाल अब क्वेश्चन नंबर एट हे हाल हाँ यहाँ पनि छ त्यस्तो त्यस्तो अब ध्यान दे एट नंबर में डीएक्स बाय के डीएक्स बाय फाइव एक्स स्क्वायर मैथ पढ़् नहीं अब हम क्वेश्चन अनुसार जो हम हिजो पढ़ डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर मैथ ए स्क्वायर पढ़े कि छेन तो फर्मुला आँदै आउँदैन त कसरी हुन्छ थियो नि यहाँ हाम्रो भेरिएबल एक्लै छ कि छैन सिंगल मा छैन योसँग छ कोही छैन नि यहाँ पनि एक्लै पार दिने बुझ्यो नि ध्यान दिने डीएक्स बा यहाँ फाइव का मैले हाल भने एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई फाइव हुन्छ त्यो हुँदैन अरे यहाँ भे मलाई यो कन्स्टेन्टसँग मतलब छैन यो यदि स्क्वायर बन्दै रुट लगाइदिन्छ स्क्वायर त भइहाल्छ मतलब कोसँग छ मलाई भेरिएबलसँग एक्स स्क्वायर एक्लै हुनु पऱ्यो बुझ्यो नि किनभने धेरै कुराहरू एक्लै भएर मात्रै पोसिबल सक्सेस हुन्छ लाइफमा हो कि होइन अरे बाँकी समझदार छ तिमीहरू यता ध्यान दिने वन बाई फाइभ भइहालो डिएक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस अब फोरको त ठिक छ टूको स्क्वायर हो फाइभ कसको स्क्वायर हो कतिको स्क्वायर फाइभ हुन्छ छैन टू पॉइंट फाइव को स्क्वायर तो होते हैं टू पॉइंट फाइव को सिक्स पॉइंट टू फाइव फाइव कति को स्क्वायर फाइव हो ट्वेल्व में पढ़ने लाइन भर भन्न मिलते रूट फाइव को स्क्वायर कति हो फाइव होते अब बुझियो अब हे वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फर्म आने वन बाई टू ए तो वन बाई टू ए को ठाकुर टू बाई रूट फाइव ठीक लग ए माइनस एक्स तो ए बने को टू बाय रूट फाइव माइनस एक्स ए प्लस एक्स टू बाय रूट फाइव प्लस एक्स प्लस सी ठीक है बुझे सकते नहीं चल ध्यान दिने ये कति भैया ये रूट फाइव माथि गई दी तल में आइए फाइव टू जा टेन टू जा पाँच दुना दस दुना बीस ट्वेंटी भो रे कि भैन ल कति भैया ये ध्यान देने टू बाय रूट फाइव माइनस ध्यान देने अब टू माइनस रूट अंडर फाइव एक्स बाय रूट फाइव लिखा भैया ये सीम्प्लिफाई करता हो नगर्दा छोड़ दिने टू प्लस यहाँ एक्स इंटू रूट फाइव एक्स भैया तल में रूट फाइव छ प्लस सी छाइन रूट अंडर फाइव बाय ट्वेंटी लग यो कटिहाल्छ नि टू माइनस रूट अंडर फाइव एक्स
क्यू प्लस रूट अंडर फाइव एक्स प्लस सी ये आंसर होते अब तिमी के बुक में नमिल सकता आंसर किन नमिल सकता ध्यान दिने यहाँ माथि रूट फाइव से तल में ट्वेंटी बना को कति हो फाइव इंटू टू हो कि होनी तर अब रूट फाइव माथि में तल में फाइव बने को रूट फाइव इंटू रूट फाइव होनी टू इंटू टू बुझे फाइव बने को रूट फाइव होनी एटा कटी हाल तो वन बाय टू टू चाह फोर रूट फाइव भी दिन सकता बुझनी तो त्यो बेगले कुरा हो प्रोसेस बुझियो तरीका बुझियो कन्फ्यूजन छे भैया एक ध्यान देने यहाँ यक्स माइनस ए थी होना अगड़ी में यक्स हो एक सरी सर सर यक्स माइनस ए भाई एक्स माइनस ए बने टू बाय रूट फाइव एक ध्यान दौ एक्स प्लस ए भाई यक्स प्लस टू बाय रूट फाइव भैया यहाँ तिम्रो के भैया माथि में एक्स इंटू रूट फाइव रूट अंडर फाइव एक्स माइनस टू ये भैया ठीक थी रूट अंडर फाइव एक्स प्लस टू भैदि नहीं भैया रूट अंडर फाइव माइ एक्स माइनस टू तला में रूट अंडर फाइव एक्स प्लस टू ठीक है नी आ यहाँ तिम्रो रूट फाइव बाय ट्वेंटी कसरी वन बाय फोर रूट फाइव भो नहीं आंसर में यही थी आंसर में यही ध्यान देने यो बना फरक पड़े बनी हाल भर कसरी रूट फाइव भैया ट्वेंटी बना कति थी फाइव इंटू टू थी फाइव इंटू टू टू जा फोर हो लग रूट अंडर फाइव एक्स माइनस टू रूट अंडर फाइव एक्स प्लस टू प्लस सी है अब रूट अंडर फाइव फाइव बने रूट अंडर फाइव इंटू रूट अंडर फाइव हो गए न रूट फाइव इंटू रूट फाइव बने फाइव हो लग वो लेखीदिने रूट अंडर फाइव एक्स माइनस टू रूट अंडर फाइव एक्स प्लस टू प्लस सी एट कटी हाल कति बच्चे वन बाय फोर रूट फाइव बच्चे बचे न लग रूट अंडर फाइव एक्स माइनस टू रूट अंडर फाइव एक्स प्लस टू प्लस सी भो बुझे बुझे न अब ध्यान देने अब यह बेकार में तीन स्टेप करना कमती में बीस या साठी साठी सेकेंड लगन सकता नहीं ये छोड़ दिन कोई गलती कर दिन यहाँ यो क्वेश्चन तिमें ख्याल कर भाई तिमीहरूले क्लास एलकेजी युकेजी में अलिकति के पढेको थियो भने ध्यान दिने परफेक्ट स्क्वायर पढेको छौ परफेक्ट स्क्वायर बनाउन आउँछ कि आउँदैन अरे आउँछ त हँ भन्न आउँदैन त नाइ भन्न आउँछ त के सोच आउँछ यसलाई बनाउँदा एकचोटि कति हुन्छ तल कसलाई ठिक छ ध्यान दिएर अब कसरी बनाउँछौ ध्यान दिनेर सोलुसन एउटा हेरी हाल पहिला यदि इंटिग्रेशन के क्वेश्चन में यदि माथि में वन छे वन मात्र डीएस तो डीएस तो होने पर्ची तो डीएस गिनती नगर्ने वन मात्र तल को परफेक्ट स्क्वायर बनाने बाहेक अरु कुछ काम करूँ टाइम वेस्ट भैया इंटिग्रेशन को एवट मतलब सकेसम तिमी दिएको फंक्शन सिंपल तरीका में लिएर जाओ त्यहाँबाट के कर डेरिवेटिव थोड़ी कर एंटी डेरिवेटिव में इंटिग्रेशन कर है कुरे बुझे तिमी ध्यान देने अब ये डीएक्स बाई हे अरे यक्स स्क्वायर छ नि मलाई यहाँ प्लस छ भने बुझिहाल ए ए प्लस बी को स्क्वायर में जान्छ माइनस छ भने ए माइनस बी को स्क्वायर में जान्छ ठीक छ ए प्लस बी को स्क्वायर के हुन्छ भन्दा फर्मुला थाहा छ अञ्जली भन्दा के हुन्छ यो फर्मुला बीक्यू बी स्क्वायर ध्यान देने ए स्क्वायर बने एक्स स्क्वायर टू ए को ठाउँमा एक्स बी को ठाउँमा कति लाग्छ भने यहाँ सिक्स हुन्छ थ्री आ प्लस एक्स ए स्क्वायर टू ए बी भयो एक्स स्क्वायर टू ए बी को ठाउँमा यो लेख्यो नि थ्री यहाँ थ्री को स्क्वायर हुनुपर्छ नि यहाँ जे छ बी यहाँ पनि त्यही बी को स्क्वायर हुनुपऱ्यो अब यो त थ्री को स्क्वायर आफै थप्यो आप थपियो भने के गर्नु पर्छ ब्यालेन्स गर्नु पर्छ माइनस थ्री को स्क्वायर आ प्लस एट सधैँ छ बुझ्दैछौ ध्यान दिने एक्स प्लस थ्री को स्क्वायर माइनस नौ प्लस आठ अब माइनस वन बने वन को स्क्वायर हो रे ये माइनस वन आ माइनस नौ प्लस आठ वन भाई वन बने वन को स्क्वायर हो कि अब हेर वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फर्म गए 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 न फर्मुला के हुन्छ के हुन्छ रे हुन्छ
बुझे ना, ये यही याद से मैंने खत्म बुझे नी। वन बाय टू ए, एक वन लग यक्स माइनस ए बने को यक्स बने को एक्स प्लस थ्री माइनस ए बने को वन यक्स प्लस थ्री प्लस ए बने को ए कति भैया भन त वन बाय टू लग एक्स प्लस टू एक्स माइनस सॉरी यक्स प्लस फोर प्लस सी आंसर भैग भैन गर यहाँसम। क्वेश्चन्स नंबर दस हेरी हाल, क्वेश्चन्स नंबर दस नंबर एगार नंबर सेम छ भाई, दस एगार के सेम छ। मैं भने को कुरा खाली याद राख नि, क्याल्कुलस में कसले तिमी पछाड़न सकते बुझ नि, तो याद हो मैं भने कुरा मैं के भने को अगि माथि यदि वन छल को फंक्शन के पर्फेक्ट स्क्वायर गर्नुपर्छ नि। अब देखिए अर्को क्वेश्चन के आउँछ, माथि वन छ यक्स, माथि यक्स छ भने तल पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन तल को फर्मुला फंक्सनलाई डेरिवेटिव बनाउनु पर्छ, माथि राख्नु पर्छ, त्यो गर्नु पर्छ। तरिका सिक्ने हो कि फर्मुला सिक्ने नै होइन, यहाँबाट के सिक्यो कि माथि वन छ भने तल के गर्नुपर्छ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्छ पर्छ नि, त्यो कुरा ध्यान दिने बुझ्यो नि। यो हाम्रो सोलुसन पढेर पढाउने कुरै होइन कि, ध्यान दिने माथि दिए तल एउटै काम छ, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वनलाई के गर्नुपर्छ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्छ यक्स स्क्वायर। अब टु ए बी बनाउनु पर्छ नि, टु ए भनेको यक्स, बी कति लेख्यो भने यहाँ यक्स मात्रै बच्छ, वन लेख्यो भने त टु वन जा टू एक्स हुन्छ, यहाँ टु यक्स मात्रै छ वन बाई टू। अब यक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टु ए बी भयो भने यहाँ बी स्क्वायर भनेको वन बाई टूको स्क्वायर हुनु पऱ्यो, अब यो थप्यो भने फेरि ब्यालेन्स पनि गर्नु पऱ्यो अनि प्लस वन। एक्स प्लस माइनस वन बाई फोर प्लस एक्स प्लस वन बाई टू को स्क्वायर, अब कति हुन्छ वन माइनस वन बाई फोर छ नि, अब वन माइनस वन बाई फोर वन जा फोर माइनस वन बाई फोर भनेको थ्री बाई फोर भयो नि, भयो नि प्लस थ्री बाई फोर हुन्छ हुँदैन, सोल्भ गरेर त आउँछ नि, ध्यान दिनु। एक्स प्लस थ्री बाई फोर भनेको टू अन्डर थ्री बाई टूको स्क्वायर हो, खोप होइन बुझेछ। अब वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ, बिर्सिहाल बिर्सेर हुन्छ गरा है बकलोलहरू ध्यान दिने। वन बाई ए ट्यान इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी हुँदैन रे, वन बाई एको ठाउँमा के छ रुट थ्री बाई टू ट्यान इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ध्यान दिनु इक्वल टू यो टू माथि गरिदिन्छ रुट थ्री ट्यान इन्भर्स यहाँ यक्स इन्टु टू टू यक्स प्लस वन बाई टू तलमा रुट थ्री बाई टू प्लस सी टू टू क्यान्सल भइहाल्यो टू यक्स प्लस वन बाई, ठिक छ गलत यहाँ। यो क्वेसन जुन छ तिम्रो क्वेसनै हो नि रे, यो एन्सर छैन क्वेसनै हो, यसलाई के गर्नुपर्छ ध्यान दिने। मलाई एउटा कुरा भन, माथि त वन छैन, माथि वन छैन त तलको पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएर कुनै फाइदा हुँदैन, हुन्छ साइन यक्सको डेरिभेटिभ माथि कस यक्स हुन्छ, यति भन्थे साइन यक्सको डेरिभेटिभ ट्यान यक्स हुन्छ कि कस यक्स हुन्छ, त्यो ठिक छ नि त कन्फर्म छ नि अञ्जली बुझेसक्छ छैन, साइन यक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ कस यक्स, त लेट गरिहाल्ने वाई इक्वल टू साइन यक्स, डेरिभेटिभ के भयो कस यक्स अनि डिएक्स भयो नि, कस यक्स डिएक्स भनेको डिवाई भइहाल्यो, साइन स्क्वायर यक्स भनेको वाई स्क्वायर, फोर यक्स भनेको फोर साइन एक्स भनेको फोर वाई प्लस फाइभ, बुझेछौ यहाँसम्म बुझ्यो बुझेन बुझ्यो नि, पुरा सिरियस भइहाल्छ रे, यति सिरियस लिने कुरै सिरियसमा ध्यान दिने। यहाँ वन छ माथिमा, माथि वन भयो भने तलको फंक्सनलाई के गर्नुपर्छ पर्फेक्ट स्क्वायरमा लिएर जानुपर्छ, त वाईको स्क्वायर टू वाई यहाँ टू लेख्छु भने फोर भइहाल्छ प्लस बी स्क्वायर, यो थप्यो भने फेरि माइनस गर्नुपर्छ प्लस फाइभ,
ठीक छ। वाई प्लस टू को हल स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन बने प्लस वन हो नि वन बने वन को स्क्वायर हो। अब हे हाल ठीक छ। अब हे वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्मेशन में छो वेरिएबल के स्क्वायर प्लस कंस्टेंट को स्क्वायर के होता वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। तो वन बाय ए बने को वन टैन इनवर्स एक्स बाय बने को वाई प्लस टू एक्स बाय ए बने को वन प्लस सी वन बाय वन वन भैया टैन इनवर्स वाई बने को साइन एक्स प्लस टू तला में वन प्लस सी बुझे बुझे न बुझियो कर अगि दिए अगिसम माथि वन थियो के थियो अगिसम क्वेश्चन में जैसे यो में माथि वन थियो तो माथि वन भयो क्वेश्चन में तल के गर्नु पर्छ परफेक्ट स्क्वायर में बनाउनु पर्छ। अहिले पनि कति छ वन छ हाँ भन्दैछ वन छ एक्स छ तो अब के गर्नु पर्छ तरिका हेरिहाल म पटक पटक भन्छु क्याल्कुलस प्रबन्ध यहाँ बुझेन कतै बुझेन बुझ्यो नि कुनै डाउटै छैन त्यसमा ध्यान दिने यहाँ तल माथि वन छैन भने तलमा जे छ नि रे एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस फोर्टी छ तल जे छ त्यसको डेरिभेटिभ माथि बनाउनु पर्छ के गर्नुपर्छ माथि बनाउनु पर्छ ठिक छ। अब एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ टू एक्स फोर एक्सको फोर फोर्टीको जिरो टू एक्स प्लस फोर मतलब माथि कति हुनु पर्यो टू एक्स प्लस फोर तो वन बाय टू ले मल्टिप्लाई गरे टू एक्स डी एक्स भइहाल्यो टू एक्स भएन यो यसमा कुनै शङ्का छ छैन नि छ कुरा रे बसन्त भयो शङ्का छ रे छैन दिइहाल्यो नि। अब मलाई टू एक्सलाई पुग्छ कि टू एक्स प्लस फोर चाहियो त टू एक्स प्लस फोर लेखिदिन्छु यहाँ माइनस फोर गर्न मिल्छ ठीक छ। अब ध्यान दिने टू एक्स प्लस फोर यसको डेलिभरी यति मात्रै हो कि यो पुरै हो लेख्नै हतार तिमीलाई हुनु यसको डेलिभरी यो मात्रै हो नि सेपरेट गर्ने प्लस फोर्टी डिएक्स माइनस फेरि यो वन बाई टू यहाँ पनि जान्छ फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ल यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ त्यो पढाइ भएको छ नि स्कुलमा यो कि छैन रेडनिकोमा हँ सुरु भएको छैन सरले त पढाउनुहुन्छ नि होइन पढाइ भएको छैन पढाइ भएको छैन भने अब त पढाइ हुन्छ नि होइन डिफ्रेन्स थाहा पाइहाल्छ कलेजमा हाम्रो कोचिङमा कुनै डाउटै छैन त्यो होइन भगवान्को दियाको भन्छ नि सबै कुरा छ ध्यान दिने। अब रे ठिक छ सोध ए छुट्टी मैले पाँच मिनट टाइम दिनु तिमी बुझ्यो जति जे सोध्यो सोधिहाल्ने ठिक छ नि वान बाई टू भयो रे चुप टू एक्स प्लस फोर तलमा कति भइहाल्यो डिएक्स माइनस यो फोर अगाडिमा आउँछ आउँदैन रे आउँछ नि फोर अगाडिमा यो फोर अगाडि आउँछ नि अब तल कति बच्यो अब हेर यो त ठिक छ तलको डेलिभेटी माथि छ भने डाइरेक्ट लग लगाइदिने होइन एन्सर थाहा पाउँछ कि छैन हामीलाई एन्सर लास्टमा एकैचोटि लेख्ने एकैचोटि लास्टमा आन्सर लेख्ने ठिक छ नि। अब फोर बाई टू भनेको टू अब त माथि वन मात्रै छ माथि वन रह्यो नि अब के गर्नुपर्छ यो प्रोसेस पर्फेक्ट स्क्वायर तलमा बनाउनु पर्छ ठिक छ। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टू एबी भनेको टू एक्स नि फोर एक्स हुन्छ टू स्क्वायर थप्नु पर्छ नि यो थप्यो भने फेरि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अब प्लस फोर्टी छ रहेछ बुझ्यो बुझ्यो न निष्ठा बुझेछौ वान बाट यसको आन्सर हामीलाई थाहा पाइसकेको छ नि लग एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर फोर्टी हुन्छ नि यसको आन्सर तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने डाइरेक्टली लग लगाइदिने तर अहिले नलगाउने पछि लेख्न हामीले एकचोटि आन्सर पछि किन लेख्ने त्यो कुरा पनि म भन्छु सोध्छौ भने सोध्दैन भने भोलि भन्छु ध्यान दिने माइनस टू छ यो अब यता आएर डिएक्स बाई यो एक्स प्लस टूको स्क्वायर भइहाल्यो ठिक छ माइनस टूको स्क्वायर मतलब फोर माइनस फोर प्लस फोर्टी कति हुन्छ
प्लस 36 बुझा हुए ना प्लस 36 का उसका स्क्वायर हो कि है ना यहाँसम फास्ट में करह कि भैया यो तुम एंसर मिली हाल 1/2 तल को डिलिवरी मैसे सीधा के लगने लग ठीक माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्म आने 1/a टैन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी तो 1/a बने को 6 टैन इनवर्स एक्स वाई बने को एक्स प्लस 2/6 प्लस सी तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 माइनस 2 3 जा 6 तो 1/3 टैन इनवर्स एक्स प्लस 2/6 प्लस सी आंसर ठीक है कर यहाँसम ध्यान दियो के क्वेश्चन मारे 2x प्लस 3 तल में 4x प्लस 5dx अब हे मैं बनाकर थे माथि यदि कहीं कुरा 1/2 जैसे कि 2x प्लस 3 1/2 कहीं कुरा के तल को फंक्शन को डेरिवेटिव माथि मिला तल x स्क्वायर 4x प्लस 5 को डेरिवेटिव कति हो x स्क्वायर को 2x 4x को 4 प्लस 0 2x प्लस 4 हो तो माथि 2x प्लस 4 होना है ध्यान देने 2x प्लस 4 थपदि अलरेडी 3 से माइनस 1 करता हो डेरिवेटिव ये हो ध्यान देने अब सेपरेट कर दी 2x प्लस 4 x स्क्वायर 4x प्लस 5 dx माइनस 1/x स्क्वायर 4x प्लस 5 dx अब ध्यान दे अब इसको तो आंसर मिली हाल मैं लग लेख दिने तल को लेख दिने क्यों तल का फंक्शन को डेलिवरी माथि के भो बुझ जोड़ भ यो माइनस 1 छ नि त प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 हुन्छ त्यसैले मैले 3 लाई प्लस 4 माइनस 1 गरे अब ठीक छ किन गरे तलको डेरिवेटिभ 2x प्लस 4 आउँछ तलको फंक्शनको डेरिवेटिभ 2x प्लस 4 माथि ल्याउनु पर्छ त्यसैले त्यस्तो गर्दियो अब माथि 1 छ भने तल के गर्नु पर्छ परफेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्छ ए स्क्वायर 2ab को ठाउँमा 2 लेख्छु भने 4 हुन्छ 2 स्क्वायर अब यह थपियो फिर बैलेंस कर प्लस 5 dx 2x प्लस 4 सॉरी तल में ये भैया माइनस 1/x प्लस 2 को स्क्वायर अब दिन प्लस माइनस 2 को स्क्वायर के हो रे 4 होना तो माइनस 4 और प्लस 5 कति हो प्लस 1 माइनस 4 और प्लस 5 कति हुन्छ 1 तो प्लस 1 भनेको को 1 को स्क्वायर पनि हो गएन हो नि अब 1 को स्क्वायर तो 1 नै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब हेर सीधा अब दिमाग लगे लगाउनु पर्दैन कि तलको फंक्शन को डेरिवेटिभ माथि छ भने सीधा लग लगाउने लग तलको लेख दिने अब माइनस 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1/a टैन इनवर्स एक्स बाय तो 1/a बने को 1 टैन इनवर्स एक्स बाय बने को एक्स प्लस 2/1 प्लस सी लग एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 माइनस टैन इनवर्स एक्स प्लस 2 प्लस सी आंसर